हेलो दोस्तों, तो ये हमारे पास एक LG का फ्लैट ऑन टीवी है जो कि पावर का फॉल्ट आ रहा है। जैसे हम इसमें पावर देते हैं तो ये चलना स्टार्ट नहीं कर रहा है। पावर दिया लेकिन पावर का एक स्पार्किंग होता है, जैसे AC कोड इनपुट होता है तब, लेकिन यहाँ पर कोई पावर शो नहीं कर रहा है। तो इसका मॉडल मैं दिखाता हूँ आपको पीछे से। तो इसका मॉडल है 21FJ6RB मॉडल है। तो इसमें छोटा बोर्ड होगा, तो इसकी स्क्रू हम खोल लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो बोर्ड है इसमें, तो गाइस यहाँ पर जो बोर्ड है ये स्मॉल बोर्ड है, तो इसको खोल लेता हूँ। जो कि इसमें आपको यूनिवर्सल का जो पावर सप्लाई आता है मॉड्यूल, इसको यूज़ किया गया है। उसके बाद हम इसमें सबसे पहले इसका जो सप्लाई है वोल्टेज, वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है उसको चेक करेंगे। तो ये बोर्ड है हमारा, तो इस पर सबसे पहले हम इसमें 110 वोल्ट की जो सप्लाई बनना चाहिए पावर सप्लाई से DC, तो देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 110 वोल्ट की जो डायोड है ये है, इसमें मेजर करेंगे सप्लाई। तो यहाँ पर जम्पर कर दिए गए हैं जो कि 110 वोल्ट। तो सबसे पहले हम इसका जो शॉर्ट है उसको चेक कर लेंगे, अगर कोई शॉर्ट हो तो उसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे मीटर का माइनस पॉइंट ग्राउंड कर देता है। तो मीटर को लगा दिया इधर, तो अभी मैं इस मीटर को कंटिन्यूटी सेट पे रख लेता हूँ बाजार रेंज पे, जो कि हम 110 वोल्ट की सब यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्टिंग बता रहा है 110 वोल्ट की जगह पर मीटर बाजार रेंज पे। तो इसका मतलब है हमारा जो 110 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए वहाँ पर ये शॉर्ट बता रहा है। तो शॉर्ट क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको इस जम्पर को डिसकनेक्ट कर देना है। तो डिसकनेक्ट करने के बाद क्या होगा, हमारा इस एरिया में सप्लाई आना बंद हो जाएगा, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी इसको डिसकनेक्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस को आपको डिसकनेक्ट करना है, ना कि वायर तो इसमें लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डायड है उस पर शॉर्टिंग बता रहा है, जो डायड है यहाँ पर 110 वोल्ट की जो डायड है इस पर शॉर्ट बता रहा है। तो ये यहाँ पर भी शॉर्ट बता रहा है हमें, जो कि ट्रांजिस्टर है। अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया तो इसका मतलब है हमारा जो AST है ये भी 100% श्योर है ख़राब होना चाहिए। अगर पुराना है ज़्यादा तो देख सकते हैं ये ओरिजिनल ST है, लगभग ये चेंजेस नहीं किया गया है बाद में, तो ये ST ही फॉल्ट है। और यहाँ पर आउटपुट भी कट गया है, आउटपुट कटने के बाद क्या हो गया, ये डायोड भी बैठ गया है हमारा, जो कि डायोड शॉर्ट हो चुका है। ये डायोड बैठ गया है शॉर्टिंग के कारण, जो यहाँ पर ज़्यादा शॉर्टिंग हो रहा था, डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा, ये वायर से जम्पर देने के कारण जो डायोड है वो डायोड ख़राब हो गया। इसीलिए वायर देखिए कितना मोटा वायर दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर फ्यूज़ के करीब आपको रेजिस्टेंस देना चाहिए था, तो एक देना चाहिए था, इन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा वायर ही यहाँ से लगा दिया है। तो यहाँ पर जब शॉर्टिंग हो चुका है तो ये पावर सप्लाई से
जो डायोड सप्लाई देता है ये देखा, तो यहाँ पर ये शॉर्टिंग हो गया है क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है डिसकनेक्ट हो जाना चाहिए था, तो ये जंपर के कारण हमारा ये डायोड जो है ये ख़राब हो चुका है। तो आप लोग इस प्रकार से जंपर मना करें, अगर जंपर करें तो ये पतला सा एक वायर लेके जंपर करें, इतना सा मोटा वायर लेके जंपर मत कीजिए। तो गाइस ये तो हो गया है हमारा, लेकिन अब पर ये ख़राब है और ये एसटी भी इसका ख़राब है, इसीलिए हमारा डायोड जो है वो ख़राब हो गया। तो एसटी ख़राब होने से पहले आपको और एक चीज़ ध्यान रखना है, एसटी चेंज करने से पहले 1600 वोल्ट का जो पीएफ है इसको ज़रूर से आपको एक बार चेक कर लेना है। अगर ये भी मोटा हो जाता है कभी कभार तो इसके कारण भी आउटपुट उठ जाता है, लेकिन हमारे इसमें मोटा नहीं दिख रहा है बिलाल, ये साइज जो है ये सही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ईएसटी है इसके कारण ही हमारा ख़राब हो गया। और एक बात होता है योक के लिए भी होता है, आपको योक को भी चेक कर लेना है एक बार, उसको भी ध्यान रखें। तो इसमें जो ईएसटी है ये काफ़ी पुराना है, तो मैं इसका ईएसटी ही डाउट में ले रहा हूँ और ईएसटी ही ख़राब होना चाहिए, क्योंकि योक की तरह से मुझे शॉर्टिंग इतना जल्दी नहीं दिखता है योक का भी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो कुछ फॉल्ट था उसको हमने चेंजेस कर दिया, और फिलहाल पहला तो ईएसटी को हमने चेंज कर लिया हूँ, दूसरे बाद यहाँ पर जो आउटपुट व्यू था उसको भी मैंने बड़ा लगा दिया, वो फिलहाल अभी जो पहले छोटा था। तो उसके बाद में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 12 ओम्स का, तो उसको भी हमने चेंज कर दिया हूँ, देख सकते हैं पहले जंपर दिया हुआ था पीछे से जो कि मैंने यहाँ पर चेंज किया, और ये डायोड को भी 4 एम्पियर का डायोड मैंने चेंज कर दिया हूँ फिलहाल। तो यहाँ से हमने कितना सामान चेंज किया, 1 2 3 4 सामान को चेंज कर दिया हो फिलहाल। पहले ये वाला था डायोड, ये वाला था, उसके बाद में ईएसटी हमने चेंज कर दिया हूँ क्योंकि ये वाला ईएसटी है और ईएसटी का नंबर 6006N है जो देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम इसमें एक बार पावर इनपुट करके देखेंगे, तो हम इसमें एक बार पावर देता हूँ, देखते हो लाइट आता है कि नहीं आता है यहाँ पर, जो कि पावर स्विच दबाता हूँ। जो कि यहाँ पर हमारा फिलहाल अभी लाइट नहीं आ रहा है, तो हमें इसका जो पावर सप्लाई है वो भी ख़राब हो सकता है, तो चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉड्यूल लगा हुआ था, तो ये वाला मॉड्यूल जो है जला दिया है अंदर से, तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, जो कि अंदर से ये जला दिया है तो ये भी ख़राब हो चुका है, तो इसको भी हम रिप्लेस कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो पावर सप्लाई है उसको चेंज कर दिया हूँ, जो कि हमने यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल लगा दिया हूँ फिलहाल, ये नया वाला मॉड्यूल हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया हूँ, और इसके बाद में जो स्किन है वो फिलहाल आ चुका है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।